लेक्चर नंबर 12 माइक्रोबायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम फंजाइ को डिटेल में पढ़ा था, उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने कौन कौन से पढ़े थे, यीस्ट मोल्ड वगैरह। आज हम लोग यीस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। फंजाइ की एक टाइप है, फंजाइ के ग्रुप में आती है, एक फंजाइ है, यीस्ट अब क्या है हम लोग यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनी हुई है यीस्ट की, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस दैट हैज अ सिंगल न्यूक्लियस। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी सिर्फ और सिर्फ एक होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। जनरली यीस्ट सेल्स आर लार्जर देन बैक्टीरिया। अब आमतौर पर जो यीस्ट के जितने भी ज़्यादातर जो उनसे सेल हैं वो बैक्टीरिया से बड़े होते हैं, ठीक है, वेरी कंसिडरेबली इन साइज, और अपनी साइज में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, किसी का बहुत छोटा होता है, किसी का बहुत बड़ा होता है। कुछ यीस्ट जो उनसे दरमियाने साइज की होती है, मतलब इसका साइज है खास हद तक नहीं है, बल्कि बहुत वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड आर कॉमनली स्फेरिकल टू एग शेप, और आमतौर पर ये स्फेरिकल होते हैं, सर्कल होते हैं, अंडे की शक्ल में ओवल की तरह होते हैं, मतलब गोल ही होते हैं आमतौर पर। दे हैव नो फ्लैजेला, इनके जो यीस्ट होती है इनका फ्लैजेला नहीं होता है। फ्लैजेला एक टेल होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पीछे जो उनको मूवमेंट देती है, ठीक है, तो यीस्ट का फ्लैजेला नहीं होता है। बट डू पोजेसेस मोस्ट ऑफ द अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, लेकिन दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स जो उनसे ये कंटेन करती है, मतलब दूसरे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो सेल पड़े थे ना, प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, यूकैरियोटिक वो जिनके अंदर मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल्स होती हैं। तो ये इस यीस्ट के अंदर ये तो है कि यूनिसेलुलर है, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस इसका होता है, लेकिन एक बात ये भी है कि इसके अंदर यूकैरियोटिक वाली ऑर्गेनेल्स होती हैं, मतलब यीस्ट एक यूकैरियोटिक सेल है, यीस्ट एक यूकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आप लोग को डायग्राम एक बड़ी सारी नजर आएगी यीस्ट की, उसमें आप लोग इसकी ऑर्गेनेल्स देख लो कि ये इसके अंदर क्या क्या होता है। न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बर्ड्स कार होता है, वैक्यूल होता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, लिपिड ग्रैन्यूल्स, ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये ऑर्गेनेल्स किस किस काम के लिए पाई जाती हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे साइज ऑफ यीस्ट सेल के, साइज यीस्ट सेल का क्या है। मैं पीछे आप लोगों को बता चुकी हूँ कि यीस्ट है यूनिसेलुलर, एक सेल पर मुश्तमिल है, इसका जो साइज है वो वेरी कंसिडर करता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो वो किस तरह की साइज ऑफ यीस्ट सेल वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द स्पीशी, डिपेंड करता है यीस्ट की कौन सी स्पीशी है, किस साइज की है, तो वो उस लिहाज से उसका साइज होता है। टिपिकली मेजरिंग 3 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ऑल्दो सम यीस्ट कैन रीच ओवर 40 माइक्रोमीटर। अब क्या इसकी मेजरिंग है, यीस्ट कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकता है, 3 to 4 माइक्रोमीटर से लेकर 40 माइक्रोमीटर तक इसका साइज हो सकता है। तो समझ आ गई ना कितना ज़्यादा फर्क है, इसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें यीस्ट का साइज आया जाता है या पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट, कि यीस्ट से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा फर्मेंटेशन, ये बच्चे को पता है कि फर्मेंटेशन जो उनसी है यीस्ट की प्रेजेंस में होती है, यीस्ट के बगैर फर्मेंटेशन नहीं होती है। फर्मेंटेशन होता है कि फर्मेंटेशन से आप लोगों के शराब वगैरह बनाना जो उनसी है यीस्ट की मदद से जो बनती है, ये एक अहमियत है कि यूज़ है, इस्तेमाल है कि यीस्ट का, तो इस्तेमाल यीस्ट किस लिए इस्तेमाल होती है। दिस एथेनॉल इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन, द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय सर्टेन स्पीशीज ऑफ यीस्ट अंडर एनएरोबिक और लो ऑक्सीजन कंडीशन। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, मेटाबॉलिज्म उसकी करते हैं, किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। कौन मेटाबॉलिज्म करते हैं, यीस्ट की कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो मेटाबॉलिज्म करती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। उससे क्या बनता है, उससे वाइन वगैरह बनती है, जो शराब बनती है, बियर बनती है, डिस्टिल्ड स्पिरिट बनती है, ऑल यूज यीस्ट एट सम स्टेज ऑफ देयर प्रोडक्शन। किसी ना किसी स्टेज पर अपनी जो ये चीज़ें बन रही होती हैं, ये अपनी बनावट में कहीं ना कहीं यीस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, यीस्ट का होना बहुत जरूरी है। तो यीस्ट की इंपॉर्टेंस पता चल गया ना, पहली इंपॉर्टेंस ये कि ये वाइन बियर वगैरह डिस्टल सिपरेट वगैरह चीज़ों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है यीस्ट। क्या कैसे इस्तेमाल होता है, कि जब कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, तो कुछ स्पीशीज यीस्ट की वहाँ पर रिएक्ट करती हैं एनएरोबिक कंडीशन में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये रिएक्शन करती हैं, और आगे जाके वाइन बियर वगैरह प्रोसीड करती हैं, उसको उसकी प्रोडक्शन वगैरह करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस कौन सी है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है रिसर्च, इट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली
इम्पॉर्टेंट एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म इन मॉडर्न सेल बायोलॉजी रिसर्च एंड इज वन ऑफ द मोस्ट थॉरली रिसर्च यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब रिसर्च में इस तरह कि यीस्ट जो उनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको अभी भी रिसर्च किया जा रहा है, जिनके ऊपर अभी भी रिसर्च की जा रही है, तहकीक उनके ऊपर अभी भी की जा रही है, उनको अभी भी पढ़ा जा रहा है ताकि उनसे मुख्तलिफ किस्म के और फ़ायदे हासिल हों. तो इसी तरह यीस्ट भी ऐसा वाहिद यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने बताया था ना, इसके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स होती है, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ यूकैरियोटिक. तो इसके ऊपर अभी भी रिसर्च की जा रही है ताकि इससे और भी फ़ायदे हासिल हो सकें. ठीक है, आगे बेकिंग. बेकिंग में भी यीस्ट का बहुत ज़्यादा काम है. यीस्ट इज़ यूज्ड इन बेकिंग एज अ लीवनिंग एजेंट वेयर इट कन्वर्ट्स द फूड या फिर फर्मेंटेबल शुगर्स प्रेजेंट द डो इनटू द गैस कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या करता है, जब इसको हम लोग फूड के ऊपर डालते हैं या फूड के अंदर डालते हैं, यीस्ट को हम लोग आटे के अंदर, मैदा के अंदर जब भी हल करते हैं, वो क्या करता है, इसके अंदर जो से फर्मेंटेबल शुगर होती है ना, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उसको फुला देता है. ठीक है, उसको फुलाने में काम देता है ये. दिस कॉज द डो टू एक्सपेंड और राइज एज गैस फॉर्म्स पॉकेट्स और बबल्स. अब वो जब फर्मेंटेबल गैस, जो फर्मेंटेबल उसके अंदर शुगर होती है ना, जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो वो जो मैदा वगैरह होते हैं, जो वो बेकिंग चीज़ होती है, फूड को कन्वर्ट कर देती है इनटू द राइजिंग, उसको राइज कर देती है, उसको फुला देती है, एक्सपेंड कर देती है. तो इस तरह पॉकेट्स और बबल्स बनाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या काम है कि वो पॉकेट्स और बबल्स बना देते हैं. तो इस तरह वो फूल जाती है, रोटी जो उनसे फूल जाती है. तो इस तरह यीस्ट जो उनसे बेकिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंस देता है, बेकिंग में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. जितने भी आप लोग पिज्ज़ा वगैरह खाते हो, जितने भी आप लोगों ने डो वाली चीज़ें पैटीज वगैरह खाते हो, तो उनकी जो नीचे वाली रोटी है पिज्ज़े की, वो फूली किस वजह से हुई होती है, वो फूली इस वजह से हुई होती है क्योंकि उसमें यीस्ट के एक दो चम्मच डाले होते हैं, उसकी वजह से फूलती है. अगर आप लोग उस मैदा के अंदर पिज्ज़े की जो सी डो है वो मैदे की बनी होती है, अगर उस मैदे के अंदर आप लोग यीस्ट नहीं डालोगे तो वो फूलेगी नहीं और वो पिज़्ज़ा नहीं बनेगा. ठीक है ना, समझ आ गया ना कि बेकिंग में कैसे काम देती है. अगर नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, अभी हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट ही पढ़ रहे हैं. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स. यीस्ट इज यूज्ड इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पॉपुलर विद हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स. अब यीस्ट जो है ना, उसके अंदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लिए भी यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ हमारी न्यूट्रिशन के लिए हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, खुराक लेते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए, तो उसके लिए भी यीस्ट कई जगह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारी हेल्थ को कॉन्शियस करने के लिए. ठीक है, जो हेल्थ के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, जो हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो अपनी न्यूट्रिशन वाले सप्लीमेंट्स के अंदर यीस्ट भी इस्तेमाल करते हैं. न्यूट्रिशनल यीस्ट इज़ डीएक्टिवेटेड यीस्ट. अब जो न्यूट्रिशनल यीस्ट है वो डीएक्टिवेटेड यीस्ट है, वो एक्टिवेट नहीं होती, डीएक्टिवेट होती है. अब उसका काम क्या है, इट इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन, स्पेशली द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एज वेल एज अदर मिनरल्स एंड कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ. अब जो न्यूट्रिशनल यीस्ट होती है वो क्यों, जो उनसे सेहत के जो लोग होते हैं वो क्यों इसको लेते हैं, वो प्रोटीन विटामिन और बी कॉम्प्लेक्स वाली विटामिन को के लिए इस्तेमाल करते हैं यीस्ट को. उसको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन वाली चाहिए या उसको प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, वो क्या इस्तेमाल कर लेगा, वो यीस्ट इस्तेमाल कर लेगा. ठीक है, मिनरल्स और कोफैक्टर्स भी जो उनसे हैं वो इस यीस्ट को इस्तेमाल करने से भी हम लोग हासिल कर सकते हैं. उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है साइंस. Several yeast have been widely used in genetics and cell biology largely. अब जो यीस्ट और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, अब जेनेटिक्स में, वेरिएशन में, विरासत में, यहाँ पे भी यीस्ट से हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर रहे हैं. इसके अलावा सेल बायोलॉजी, सेल की जितनी भी स्टडी है या सेल के अंदर भी यीस्ट पाई जाती है, उसको भी हम लोग, उसमें भी हम लोग यीस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देख रहे हैं और उन पर रिसर्च भी अभी भी जारी है. यीस्ट एक्सट्रैक्ट इज कॉमनली नेम फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोसेस्ड यीस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड एज फूड एडिक्टिव्स और फ्लेवर्स. अब यीस्ट में से कुछ ऐसी खास चीज़ें निकाली जाती हैं जो खास तौर पर खुराक के अंदर इसलिए ऐड की जाती हैं ताकि उसको खुराक के अंदर फ्लेवर लाया जाए, फ्लेवर डाला जाए. जितने भी आप लोग स्लश वगैरह पीते हो ना, उसके अंदर यीस्ट की एक स्पीशी डाली जाती है जिसके वजह से उनके अंदर फ्लेवर वगैरह आता है. ठीक है, बायोफ्यूल इंडस्ट्री. यीस्ट हैव रिसेंटली बीन यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स एंड प्रोड्यूस एथेनॉल फॉर द बायोफ्यूल इंडस्ट्री.
तो जो ये यीस्ट है ना, वो बायोफ्यूल ऐसा फ्यूल जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की मदद से बनाया जाए। बायो मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स कहते हैं। बायो बेसिकली किसका मतलब है? लिविंग थिंग्स का मतलब है। तो ऐसा फ्यूल जो लिविंग थिंग्स की मदद से बनाया जाए, माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से बनाया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोफ्यूल कहते हैं। और ऐसी इंडस्ट्री जो जो बायोफ्यूल पे बेस्ड हो, उसको हम लोग कहते हैं बायोफ्यूल इंडस्ट्री। तो यीस्ट का क्या काम है? यीस्ट से अभी अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर दी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के हमें और भी सोर्सेज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को हमने और भी तरीकों से बनानी है। तो एक सोर्स कौन सा? यीस्ट है। यीस्ट क्या करती है कि वो बायोफ्यूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। किस तरह इलेक्ट्रिसिटी बनाती है कि वो फ्यूल बनाती है। फ्यूल किस तरह? एथानॉल बनाती है, ठीक है। जब इसको बायोफ्यूल रिएक्टर के अंदर, मशीन के अंदर रखा जाता है, तो एथानॉल बनाती है। एथानॉल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। आगे लास्ट वाला जो इसकी इंपॉर्टेंस है, वो एक्वेरियम हॉबी। एक्वेरियम आप लोगों को पता है कि लोगों के घरों में जो है ना, एक वो फिश पूल सा बना होता है, एक छोटा सा शीशे की एक घर सा बना होता है मछलियों का, जिसके अंदर मछलियां फिर रही होती हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल सा, ठीक है। तो एक्वेरियम हॉबी जो एक्वेरियम के शौकीन हो, जो घर में मछलियां रखने के शौकीन हो, यीस्ट इज ऑफन यूज बाई एक्वेरियम हॉबीस्ट टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड टू नरिश प्लांट्स इन प्लांटेड एक्वेरियम। ऐसा एक्वेरियम जिसके अंदर प्लांट्स भी हो गए हों, उन प्लांट्स को नरिश करने के लिए वो लोग अपने एक्वेरियम के अंदर यीस्ट डालते हैं, ठीक है। इस तरह यीस्ट यहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। एक्वेरियम हॉबीस्ट जो है, जिसको एक्वेरियम रखने के बहुत ज़्यादा शौक है, वो आर्टिफिशियल पूल बनाता है, उसमें जानदार मछलियाँ रखता है, तो उसके अंदर पौधे भी जानदार रखता है। तो उस उन पौधों को नरिश करने के लिए, उनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करने के लिए वो यीस्ट डालता है, ताकि वो प्लांट जो उनसे नरिश हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू कर दें। तो वहाँ पर भी यीस्ट इस तरह से कारामद होती है, इस तरह से भी बहुत ज़्यादा फायदे देती है। तो आज हम लोगों ने यीस्ट की सारी इंपॉर्टेंस भी डिटेल में पढ़ लेती है पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग दूसरी स्पीशीज यीस्ट फंजाई के स्टार्ट करेंगे, विच इज़ मोल्ड। तो आज का लेक्चर इधर तक ही है। तो कोई क्वेश्चन हो, ना समझे, तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।